आप सबको स्वागत है। आज हम पहुंच गए हैं 11 जून की शुरुआत में। स्नेह एक ऐसी शक्ति है जो कि हमारे संबंधों को क्लोज करती है, और अगर हम सिर्फ बुद्धि से ही संबंध जोड़ते हैं कि इससे मुझे क्या मिलेगा, इसको मुझे देना क्या है, तो फिर वो स्नेह का संबंध लंबा नहीं रहता है, क्योंकि उसमें स्नेह बहुत ही कम मात्रा में होता है। जब तक चीज़ें मिल रही हैं तब तक स्नेह संबंध है, जब तक बिजनेस चल रहा है तब तक स्नेह संबंध है, जब तक आपस में लेन देन हो रही है तब तक स्नेह संबंध है। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि दिल के स्नेह और संबंध के आधार पर, दिल के स्नेह और संबंध के आधार पर समीपता का अनुभव करने वाले निरंतर योगी भव। किससे समीपता? परमपिता परमात्मा से समीपता। ब्राह्मण आत्माओं में कोई दिल के स्नेह, जो ब्राह्मण है जिन्होंने 70 कोर्स किया हुआ है 7 दिन का और अपने आप को ब्राह्मण मतलब कि कैरेक्टर पर्सन बना रहे हैं और हर दिन लगे हुए अपने अंदर के गंदे संस्कार को चेंज कर अच्छे संस्कार धारण करने में, वो उनको ब्राह्मण कहते हैं। तो ब्राह्मण आत्माओं में कोई दिल के स्नेह संबंध से याद करते हैं, और कोई दिमाग अर्थात नॉलेज के आधार पर संबंध को अनुभव करने का बार बार प्रयत्न करते हैं। नॉलेज के आधार पर है ना, कि भगवान ने बोला कि चक्र ये है, मैं बिंदु हूँ तुम बिंदु हो, मैं आत्मा हूँ तुम आत्मा हो, बस ये इसी अनुसार वो याद करते हैं, लेकिन उसमें फीलिंग्स इमोशनल नहीं डालते हैं। वो सिर्फ नॉलेज साधन के कोर्स में जो सीखा, एवरीडे मुरली में जो सुने पॉइंट्स, वो पॉइंट्स को याद करते रहते हैं। वो तो सिर्फ ज्ञान योग करते हैं, लेकिन वो भक्ति योग या स्नेह योग नहीं करते। इसके बारे में कहते हैं कि जहाँ दिल का स्नेह और संबंध अति प्यारा अर्थात समीप है, वहाँ याद भूलना मुश्किल है, वहाँ परमात्मा भूलना मुश्किल है, वहाँ पे कोई भी चीज़ आपको खींच नहीं सकती अपनी तरफ। जैसे शरीर के अंदर नस नस में ब्लड समाया हुआ है, ऐसे आत्मा में निष्पल अर्थात हर पल याद समाई हुई है। इसको कहते हैं दिल के स्नेह संपन्न निरंतर याद। मतलब दे दिया, हमारे यहाँ पे हार्ट बीट चल रही है और हमारा नस नस में रगत है, तो बिना रगत के तो हो नहीं सकता, शरीर चल नहीं सकता। उसी अनुसार परमात्मा की याद के बिना, हर सेकंड उनकी याद के बिना हमारा जीवन चल नहीं सकता। ये चीज़ परमात्मा सिखाते हैं और आप भी ये चीज़ें सीखते हैं ब्रह्म कुमारी में। हम शांति के साथ।